देखो पोस्ट नहीं आएगी। नहीं पोस्ट नहीं आएगी, इस साइड पे कर बना सकते हैं, इस बोर्ड बना जी, बोर्ड की ही बना रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज हमारा विजिट है दुमैल रैम्बो लेक का, और दुमैल की तरफ जाते हुए मैं आपको दिखा दूँगा फुज़िल टॉप के तमाम तर मनाज़िर, और वहाँ पे जितने भी मकामात हैं खूबसूरत वो सारे आपको दिखाते हुए लेके जाऊँगा मिनीमार्क। वहाँ से फिर हम जाएंगे दुमैल रैम्बो लेक की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं चिलम चेक पोस्ट पे, और यहाँ पे एंट्री के बाद हम निकल रहे हैं दुमैल की तरफ, तो हमारे साथ आप रहें। तो हम चलते हैं दुमैल रैम्बो लेक की तरफ। और फुज़िल टॉप की एक और वीडियो जब हम विंटर में गए थे उस टाइम बना चुका हूं मैं, और अपलोड भी कर चुका हूं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। उस टाइम परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इस वक्त विदाउट परमिशन आप मिनीमार्क का विज़िट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे रास्ते में एक खूबसूरत सा पॉइंट हमने देखा, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम रुके और थोड़ी सी इंजॉयमेंट के बाद हम आगे जाएंगे। देख सकते हैं आप इस एरिया का नज़ारा कर सकते हैं। मिनीमार्क और दुमैल रैम्बो लेक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट अस्तूर में वाक़ हैं, और अस्तूर से तकरीबन 4 घंटे की मसाफत तय करने के बाद आप मिनीमार्क पहुंच जाते हैं। वहां से फिर 40 मिनट की मसाफत पे दुमैल रैम्बो लेक वाक़ है, और इस वक्त हम मौजूद हैं यहां पे सरदार कोठी से थोड़ा सा आगे जाके ये खूबसूरत सा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से हम 5 मिनट की मसाफत तय करने के बाद पहुँच जाएँगे फुज़िल टॉप पर, तो वहाँ के भी तमाम तर मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ। यस तो नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फुज़िल टॉप के ऊपर। ये फुज़िल टॉप का नज़ारा आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम अभी जाएंगे मिनीमार्क की तरफ, और वहाँ के भी सारे नज़ारे और इंफॉर्मेशन आपको देते हुए जाएंगे दुमैल रैम्बो लेक की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे पास दिखाने के बाद हम चलते हैं आगे मिनीमार्क की तरफ। तो लेट्स गो। ज़्यादातर लोग खूबसूरत और दिलकश वादियों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में हादसों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, केयर आपको करनी चाहिए अपनी और अपनी जो गाड़ी लेके आते हैं या बाइक लेके आते हैं। जिस तरह बाबूसा टॉप पहुँच के वहाँ से उतराई स्टार्ट होती, इसी तरह ये जो फुज़िल टॉप है इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी खतरनाक किस्म की उतराई स्टार्ट होती है। ये मोड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफी सारे 20 से 25 तकरीबन मोड़ आ जाते हैं, ये टर्न आपको नजर आएंगे। इन टर्न में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइविंग करनी है, और साथ में जो है ब्रेक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, स्पेशली जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसका ब्रेक आपने थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ी सी गाड़ी को भी रेस्ट दें, और फिर वहाँ से आगे निकल सकते हैं।
इस तराई को क्रॉस करने के बाद फिर नीचे मिनीमार्ग का दीदार स्टार्ट होगा। मैं आपको सारे एरियाज दिखाता हुआ लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मोड्स और टर्न्स कितने हैं यहाँ पे। यहाँ की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। खूबसूरती जहाँ होती है वहाँ पे खतरा भी ज्यादा होता है। इस हवाले से मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराता हूँ कि आपने इन एरियाज में बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइविंग करनी है। एहतियात और केयर की बातें काफ़ी हो गई। अब हम बात करते हैं इस एरिया के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के एक्सपेंसेस कितने आएंगे और यहाँ स्टे करने के और एकोमोडेशन के क्या प्रोसीजर्स हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये सारी बातें हम रास्ते में पूरी बताते हुए जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ना मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ और ना खुद को। उस खूबसूरत एरिया में पहुँच के सिर्फ इंजॉय करेंगे। अगर यहाँ पे स्टे करने या अकोमोडेशन के हवाले से बात करें तो दुमैल में स्टे करने के लिए आपको चिलम चौकी पहुँच के एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। वहाँ पे कैंप होटल्स मौजूद हैं। नाइट स्टे के पर हेड के हिसाब से 1500 रुपीस लिए जाते हैं और इस 1500 में से 750 आपने एडवांस में चिलम चौकी में पे करने होते हैं और बाकी 750 रुपए आपने वहाँ दुमैल पहुँच के पे करना होता है। इसी हिसाब से अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अस्तोर पहुँच के होटलों से गाड़ियाँ बुकिंग पे अवेलेबल होती है, 5 डोर और लैंड क्रूजर जीप वगैरह। वहाँ से आप 30,000 बुकिंग पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं दुमैल रंबुल लेक मिनीमार्ग की तरफ। 7 से 8 बंदों का ग्रुप मिलके गाड़ी बुक करके इस एरिया तक पहुँच सकता है और यहाँ से वापसी उसी होटल में और उसी पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से आपको उठाया जाता है अस्तोर सिटी से। तो यहाँ से आगे खूबसूरत और जन्नत नज़ीर इलाके का दीदार स्टार्ट होता है। लेट्स एंजॉय द व्यू।
जी तो नाजरीन, मिनीमार्क पहुंचने के बाद अभी हम जाने लगे हैं धुमैल रेनबो लेक की तरफ। मिनीमार्क के जितने भी खूबसूरत मनाजिर थे यहाँ से हम निकलेंगे अभी धुमैल रेनबो लेक की तरफ। तो वहाँ जाके मिनी स्विट्जरलैंड में आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ।